नमस्कार, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में मैं ओमकार अंगड़ी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर घटने लगी, तीसरा वीकेंड लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा, शिवराज्याभिषेक दिवस समारोह सफलता से संपन्न, बारिश के मारे से स्मार्ट सिटी में आतंक, बेलगुंदी में शहीदों को अभिवादन, कारतगा ग्राम पंचायत 2000 पौधे लगाएगी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-2435-777 और 8884-1217-18। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बड़ी राहत देने वाले हैं। देश में दो महीने के बाद एक दिन में सबसे कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। गौरतलब यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में चिंताजनक मौतों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के आंकड़े जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 114,460 कोरोना रोग के नए मरीज मिले हैं। 189,232 मरीज कोरोना पर काबू पाकर घर लौट चुके हैं। इसी दौरान देश में अब तक 2,677 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में इस समय 14,77,799 मरीजों का इलाज चल रहा है और कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,46,759 पहुँच गई है। तीसरा वीकेंड लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा। तीन दिन के वीकेंड लॉकडाउन की समाप्ति रविवार को सफलतापूर्वक हो गई। रविवार की सुबह शहरवासियों में एक बार फिर शांति छा गई। प्रशासन की सुनियोजित व्यवस्था से रविवार के और पूरे वीकेंड लॉकडाउन को सफल बना दिया। रविवार की सुबह शहर की सड़कें सुनी रही। शहर और उपनगरों में ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जिला प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए तीन दिन के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी। शहर में यह तस्वीर उभर कर आई कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। सड़क पूरी तरह सूख चुकी थी। हालांकि पुलिस ने नागरिकों को उन जगहों पर वापस भेज दिया जहां से अनियंत्रित लोगों का आना जाना चल रहा था। दोपहर के सत्र के बाद पुलिस ने भी विश्राम किया। बिना पुलिस के बावजूद भी नागरिक घर पर बैठे थे, ऐसी तस्वीर सामने आई। प्रशासन द्वारा घोषित नियमों का नागरिक पालन कर रहे हैं। अत्यावश्यक चिकित्सा कारणों से नागरिक सड़कों पर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते का 3 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। शिवराज्याभिषेक दिवस समारोह सरलता से संपन्न। शिवराज्याभिषेक उत्सव मंडल और शिवजयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से रविवार को शिवराज्याभिषेक दिवस सरलता से मनाया गया। रविवार को सुबह 6 बजे छत्रपति शिवाजी उद्यान में 348वां शिवराज्याभिषेक दिन का आचरण किया गया। कोरोना नियम के कारण कम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में और सामाजिक दूरदर्शिता के साथ मनाया। सुबह 6 बजे शिवजयंती चित्ररथ महामंडल के अध्यक्ष सुनील जाधव के हाथों भगवा ध्वज की पूजा की गई। उसके बाद मराठा परिषद के अध्यक्ष और विधायक अनिल बेनके ने छत्रपति शिवाजी उद्यान में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया और माल्यार्पण किया। इस वक्त पर शिवभक्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बारिश के मारे से स्मार्ट सिटी में आतंक। शहर और उसके आसपास मानसून की बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने शहर के तापमान में भी गिरावट ला दी है और गर्मी में कमी आई है। इससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि बारिश के संकट ने स्मार्ट सिटी की कार्यप्रणाली को अस्ताव्यस्त कर दिया है। विभिन्न स्थानों पर अधूरे कार्यों से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्री नगर क्षेत्र में नाला जाम होने से नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया। शनिवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। गोवा वेस्ट में हुए अधूरे काम की समस्या से नागरिकों को असुविधा हुई है। शनिवार की दोपहर हुई बारिश में शहर में हर जगह पानी ठहर गया। बरसात के मौसम में ऐसे कार्यों से बेलगांव में विभिन्न स्थानों पर सीवेज की समस्या गंभीर हो जाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। बेलगुंदी में शहीदों को अभिवादन। कन्नड़ शक्ति विरोधी आंदोलन के शहीदों का रविवार को बेलगुंदी में अभिवादन किया गया। बेलगुंदी के भावकू चव्हाण, कलापा उजगावकर और मारुति गावड़ा ने 1986 के कन्नड़ विरोधी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
उन्हें याद कर उनकी स्मृति को प्रणाम किया गया। गांव में स्थित शहीद स्मारक के सामने माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। यह समारोह कोरोना नियमों के अनुपालन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर, उप जिला प्रमुख बंडू केरवाड़कर, उप महापौर प्रवीण तेजम, प्रकाश राउत, राजू तुडियेकर, राजकुमार बोकडे, तानाजी पावशे, निलेश इंगले, शत्रुपा चव्हाण सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कारत का ग्राम पंचायत 2000 पौधे लगाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कारतगा ग्राम पंचायत की ओर से गांव में 2000 पेड़ लगाए जाएंगे। पौधरोपण का शुभारंभ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप उगाले व गणमान्य व्यक्तियों ने किया। शशिकांत बुड़के ने सभा का स्वागत किया। उसके बाद ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप उगले, उपाध्यक्ष रशीदा पटेल, सदस्य राजू खिचड़े, ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश धनगर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सदस्य सुभाष ठाकाने, राहुल रत्नाकर, किरण टाकले, स्वाति कामले, महादेव डांगे, संतोष बुड़के सहित पंचायत कर्मचारी, स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कोरोना के नियंत्रण और प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं जुटाया गया है। टीकाकरण के नाम पर मोदी सरकार आम जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए 140 करोड़ लोगों का टीकाकरण कब तक पूरा होगा, यह सवाल कांग्रेस ने उठाया है। मोदी सरकार के दौरान पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम पहले ही आसमान छू चुके हैं। इससे आम लोगों को परेशानी हुई है। बेलगाम ग्रामीण जिला कांग्रेस ने भी मांग की है कि केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ईंधन की कीमतें कम करनी चाहिए। इस मांग का निवेदन जिला प्रशासन की ओर से राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेचर एलिट फाउंडेशन की ओर से शहर के स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव एवं विमल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री किरण जाधव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर शेखर हांडे, बाबूलाल राजपुरोहित, विक्रम पुरोहित, रमेश पाटिल, संतोष पेडणेकर, चेतन नंदगढ़कर और सोनल सपकाल सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आबकारी विभाग से शराब का स्टॉक जब्त। जिला आबकारी निरीक्षक विजय कुमार हिरेमठ ने नेतृत्व में आबकारी विभाग ने हाथभट्टी सहित विभिन्न कंपनियों की अवैध रूप से शराब बेचने वाले यमकन मरड़ी तालुका हुक्केरी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान इरप्पा यल्लाप्पा गुरव के रूप में हुई है। हिरेमठ ने कहा कि उसका दोस्त प्रकाश बसप्पा बरगली फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई के दौरान 240 लीटर हाथभट्टी और 60,000 मूल्य की शराब के पैकेट, बोतल और बियर का स्टॉक मिला। कोरोना जागरूकता के लिए विधायक ने की बाइक की सवारी। कोरोना महामारी एक भयानक बीमारी है। इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके लिए नागरिक घर से बाहर ना निकले, यह संदेश विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने खानापुर शहर के दो पहिया दौरे पर दिया। उन्होंने बिना काम के सड़कों पर चल रहे नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी। पुलिस विभाग को बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। पिछले दो दिनों से लॉकडाउन के दौरान बिना काम से घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, फिर भी कुछ नागरिकों के लिए युवा कार्यकर्ता बिना काम के बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे को अच्छा सबक सिखाया जा रहा है। इसके लिए विधायक अंजलि निम्बालकर ने ऐसा ही जागृति कार्य किया, लेकिन उन्होंने बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए यह विषय चर्चा का विषय बन गया है। राजेश सालगुड़े का निधन।
ओल्ड बेलगाम निवासी गोगो स्पोर्ट्स क्लब और ओरिएंटल स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी राजेश सालगुड़े का रविवार को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, माँ, पिता, एक भाई और एक बहन है। राजेश सालगुड़े ने गोगो स्पोर्ट्स क्लब और ओरिएंटल स्पोर्ट्स क्लब दोनों के लिए क्रिकेट खेला था। ओमानी फकीरा चौगुले का निधन। गणपत गली उचगाव के प्रमुख नागरिक ओमानी फकीरा चौगुले, उम्र 95, का रविवार सुबह वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके परिवार में 3 चिरंजीव, एक बेटी, बहू, पोते और परपोते हैं। वह पत्रकार यन्नो चौगुले के पिता थे, पत्रकार यल्डी चौगुले और अशोक डी चौगुले के चाचा थे। यशवंत सदाशिव तोड़नकर का निधन। गवंडीवाड़ा मालवन के सेवानिवृत्त सहायक पोस्टमास्टर और केजीबी स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य यशवंत सदाशिव टोडनकर, उम्र 64, का रविवार की सुबह 2 बजे अल्पारोग से निधन हो गया। उनके पीछे 2 बेटे, एक बेटी, एक बहू, 4 भाई और एक बहन, ऐसा परिवार है। यशवंत टोडनकर ने 1980 और 1990 के दशक में टेनिस क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए स्मार्ट प्लस।